नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश चंद कुकरेती कोरदार पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से विगत 24 वर्षों से गौरैया संरक्षण का कार्य कर रहा हूं और इस प्रकार से गौरैया के लिए प्लाई के छोटे छोटे नेस्ट बॉक्स निःशुल्क देता हूं और जगह लगाता हूं। अब तक 13,000 से अधिक नेस्ट बॉक्स 2021 अप्रैल तक लगा चुका हूं और मेरी कोशिश है कि गौरैया बच जाए, लेकिन मैंने ये देखा मेरे घर में इस पर लगभग 100 से अधिक नेस्ट बॉक्स इस प्रकार से लगे हुए, चाहे ये इस टाइप के हो गए झोपड़ी नमूने, चाहे ये साधारण डिब्बे हो गए। लेकिन ये साधारण डिब्बे में जैसे घर में हम इनकी संख्या में बढ़ाते हैं, गौरैया के लिए डिब्बे की संख्या में 2, 4, 5, 6, 10 इस प्रकार से हम जैसे वृद्धि करते हैं, तो यहाँ हर जगह देखा गया है कि गौरैया के अंडे और बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले अन्य परभक्षी पक्षियां तुरंत ही घर में आ जाती हैं और इनके अंडे और बच्चों को नुकसान पहुंचाती है। जैसे उदाहरणतः ट्रीपाई, ब्लैक हेडेड मैना, हुदूद या सिकराबाज या कौवा, इसके आसानी से इसके अंडे बच्चे को, ये घास इसके अंदर घोंसला बनाया तो आसानी से उसको बाहर खींच के इसके अंडे को निकाल देते हैं, बच्चे को बाहर निकाल देते हैं। इसके लिए मैंने इसके आगे एक जाला, यानी जो जाला है इस प्रकार से जाला का निर्माण किया। अब तक 1,000 से अधिक डब्बों पे ये ऊपर से नेट, यानी जो तार का बना हुआ एक जाला है, इस प्रकार से कप नमूना, कटोरा नमूना आगे से लगा दिया है। जैसे ये हमने इस पर ये नेट लगा रखा है, जाला का बना हुआ यानी तार का बना हुआ एक सुरक्षा कवच, इस सुरक्षा कवच के इस प्रकार से हमने आगे बना दिया। लगभग लगभग इसकी जो आगे की ओर जो लंबाई रखनी है वो आधा फिट, लगभग आधा फिट से कम 5-6 इंच आप रख सकते हैं और 4 इंच 5 इंच जैसे भी सुरक्षा के लिए आप चाहें, जिस प्रकार से आपका पास डब्बा हो। और जैसे हमने इसको जाला को इसके आगे लगाया तो इसके ऊपर से हमने एक छोटा सा सुराख इसके लिए कर दिया। सुराख ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने इसको सुराख को ज़्यादा अधिक कर दिया, यानी इस सुराख को अगर हमने क्या, अगर हमारे पास पटरी है या दूसरी चीज़ है तो हम आसानी से नाप सकते हैं कि जितना इसका सुराख है जो ये हमारे पास गौरैया के लिए हम बनाते हैं तो उतना ही उतना, यानी 3 सेंटीमीटर के आसपास इसके ऊपर हम सुराख कर दें, ऊपर 3.2 सेंटीमीटर तो जो डायमीटर यानी व्यास, इसका जो व्यास है जिसमें जो दो अंगुली है, ये दो अंगुली आसानी से हमारे इसमें घूम जाए। और ठीक एक ऊपर लगा दिया, ऊपर के साइड में बीचों बीच में ऊपर साइड लगा दिया, एक नीचे के साइड लगा दिया, क्योंकि गौरैया कभी भी नेस्ट बॉक्स में जब बैठता है तो ऊपर की ओर आता है, ऊपर में जैसे घूमेगा तो तुरंत ही इस सुराख से वो अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद फिर इस घोंसले, यहाँ पर घोंसला बनाएगा ऊपर से, और निकलने के लिए जैसे गौरैया जब निकलेगा तो ऊपर से नहीं निकलेगा, हमेशा गौरैया नीचे से निकलता है, तो ऊपर से जैसे इस सुराख से निकलेगा तो नीचे वाले सुराख ठीक उतना ही हमने दो उंगली के सुराख की जो हमारे पास है गौरैया के आकार का 3 सेंटीमीटर डायमीटर 3.2 सेंटीमीटर डायमीटर 3.4 सेंटीमीटर डायमीटर से ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर दूसरा चिड़िया इसमें आसानी से चला जाएगा, फिर नीचे कर दिया। इसके आसपास बिल्कुल घना तार बंद कर दिया ताकि यहां से किसी भी चिड़िया का थोड़ा भी अंदर ना जाए, अगर चला भी जाए तो लेकिन यहाँ तक तभी नहीं पहुँच पाएगा, ऊपर तक बिल्कुल सुरक्षित रखना है। और इसके अंदर जो गौरैया का घोंसला है या अंडा है या बच्चा हमेशा सुरक्षित रहता है। अब आपको मैं पेड़ में लगाए हुए कुछ डिब्बे दिखाता हूँ। ये गौरैया का जैसे नेस्ट बॉक्स लगा हुआ है, इसमें बच्चे हैं, एक सुराख इसमें ऊपर की ओर है और एक नीचे की ओर है, इसमें बच्चे हैं, इस प्रकार से इसमें पेड़ों में टंगा देख रहे हैं और इस प्रकार से कई डिब्बे लगे हुए हैं और आपको इसके अंदर